हमें लगता है यह आयुवास है, फिर से एक बार किसानों को, देश के अन्नदाताओं को ठगने का, छलने का एक साजिश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करने जा रही है। क्योंकि कर्नाटक का चुनाव की हार भारतीय जनता पार्टी को उनकी हकीकत में क्या बिसात है यह समझा दिया है देश कर्नाटक की जनता ने। अब उन्हें यह भय सता रहा है कि 2024 आने वाला है, उसके पहले तीन राज्यों में चुनाव है और वो दो राज्य, तीन राज्य पूरी तरह किसान प्रभावित राज्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इन तीन राज्यों के चुनावों में हथकंडा अपनाने के लिए इस प्रकार एमएसपी में कुछ खदानों पर एमएसपी को बढ़ाने का काम किया था। लेकिन जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो इन लोगों ने लिखित रूप से यह दिया था कि हम एमएसपी पर कानून लाएंगे। ये कानून ला दें, क्या हर्ज है? अगर ये कानून ला देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। जिन काला कानून आया था उसमें तीनों काला कानून, क्योंकि एक साल से ज़्यादा किसानों का आंदोलन चला और 700 से ज़्यादा किसान मरे तो उसने वापस कर लिया था किसान का। और उसने कहा था कि एमएसपी के लिए कानून हम 6 महीने के अंदर बनाएंगे, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर वो कानून नहीं बनाया उसने। और अभी उसी के चलते हरियाणा में फायरिंग, कल भी लाठीचार्ज हुआ है, आज भी चल रहा है, आज वो रोड जाम कर रहे हैं। इसलिए लगातार अभी आंदोलन बढ़ेगा। हमको लगता है जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ये किसान को ठग रहे हैं, किसान को उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया और आज भी वो ठगने का काम कर रहे हैं। वो तो फिगर दिखा रहे हैं कि हम इस तरह से बढ़ाए हैं। नहीं, अब तो बड़ा बहुत दाम बढ़ना ऐसे बढ़ता है, बढ़ते गया वो अलग। लेकिन जो उन्होंने कहा था एमएसपी का हम तय करेंगे कीमत, प्राइस कैसे किसानों को अधिक से अधिक कीमत मिले, उनको जो मेहनत है, उनका जो खेती बाड़ी में पैसा लगता है उसको मुनाफा मिले, उन्होंने आज तक तय नहीं किया। उसने जब दिखा दे जो तय किया आज उसी को सारे पूरे देश में किसान लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने धोखा दिया है, वादा करके तो किसानों का धरना को तोड़वा लिया, लेकिन जो 6 महीने में करना था अभी हमको लगता है 3 साल 4 साल बीत गया, अभी तक वो नहीं हुआ। का सभी दावा झूठा है और देश की जनता के साथ धोखा है, किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने जो वादा किया था किसान आंदोलन में उसको तो पूरा करे वो पहले, तो वो सारे बोलते हैं, बोल रहे हैं और उनका सारे जो कहना है, वादा है, वो झूठा है, देश की जनता के साथ धोखा है।